हम पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें पार्ट वन करके लिखा हुआ है, जिसमें से ज़्यादा नहीं बात कर पाए जो वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव का, इसका थोड़ा उसमें बताए हैं। तो उस वीडियो को भी आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, उसमें भी आप देख लीजिए, नहीं तो फिर प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वैश्वीकरण के जो राजनीतिक प्रभाव है उसके बारे में जानते हैं। वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव, विभिन्न राजनेताओं द्वारा वैश्वीकरण नीति तैयार करने, जैसे कि UNO, यह कई देशों को एक करता है। उसके बाद एक क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये एक संघ है जिसमें बहुत सारे देश मिल के बना है ये। उसके बाद है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। ये पूरे विश्व का जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाता है WHO। उसके बाद है सभी देशों की समस्याएं के लिए मिलकर काम करना, संचार और नई मीडिया से राजनीतिक मजबूत हुई है, सरकारों के काम करने की शक्ति में कमी तथा बढ़ोतरी हुई है, नई प्रौद्योगिकी के कारण देशों का विकास, सरकारों ने अपने काम को लोक कल्याणकारी योजना को महत्व देना शुरू कर दिया है, और बाजार आर्थिक सामाजिक परियोजनाओं पर ध्यान देना। तो ये हम लोग का हो गया वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। नेक्स्ट में हम लोग का है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, जिसमें संस्कृत के ऊपर भी हम लोग का क्या प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण से। ठीक है, तो देखिए खान पान में बदलाव, पहले हम घी खाते थे, अब हम चाउमीन, मतलब जो खाने के चीज़ में भी थोड़ा बदलाव आया है। उसके बाद क्या बोल रहे, पहले हम जल्दी सो जाते थे, अभी थोड़ा लेट से। उसके बाद ये हो गया रहन सहन में। नेक्स्ट पॉइंट में जो हम लोग का है पहनावे में बदलाव, तो इसमें जो है क्या बोल रहा है, इसमें पहनावे में बदलाव बोल रहा है, तो अब ज़्यादा लोग धोती को छोड़कर जींस पहनते हैं, पहले की अपेक्षा अभी थोड़ा चेंजिंग हो गया पहनावे में भी। पश्चिमी सभ्यता की ओर जाना, विदेशी त्यौहार का प्रचार, मतलब जो पहले हम लोग ने अपना जो सांस्कृतिक होता था अपना, वहीं सब त्यौहार का यूज कर मनाते थे, अभी क्या करते हैं ज़्यादातर जो विदेशी त्यौहार है उन सभी का ही करते हैं। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं इसमें, विदेशी फिल्मों का चलन, रॉक संगीत को पसंद किया जाना, महिलाओं की स्थिति में सुधार, जीवन शैली में बदलाव, रूढ़िवादी का अंत यानी अंधविश्वास खत्म होना, सबसे मेन पॉइंट देख लीजिए सब अच्छा है। सांस्कृतिक धरोहर को खत्म होना, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, मतलब दिन ब दिन क्या हो रहा है, हम लोग का जो संस्कृति है वो खत्म होते जा रहा है। तो इसीलिए ये हो गया हम लोग का जो संस्कृति में ही है, इससे आप ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का है वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। तो देखिए आर्थिक प्रभाव से क्या हुआ है, मुक्त बाजार व्यवस्था, एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सकता है, वो भी वैश्वीकरण से संभव है, एक देश दूसरे देश में व्यापार करना कर सकता है वो। और पूंजी का एक से अधिक देशों में निवेश और पहुंचना, विश्व व्यापार में इजाफा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रचार, भारत में कई विदेशी कंपनी हैं, धनी देशों का विकासशील देशों में निवेश, अमेरिका जैसे देशों के व्यापारी हमारे देश में निवेश कर रही है, मतलब वैश्वीकरण से ये सब कुछ संभव है, दूसरे देश में जाके हम लोग अपना व्यापार कर सकते हैं, या फिर दूसरा देश का देश हम लोग यहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं कोई भी व्यापार के लिए। तो विकसित देशों की कठोर वीजा नीति, जो देश विकसित है वो नहीं चाहते हैं कि कोई और व्यक्ति उनके देश में व्यापार करें। IMF, WTO और WB की स्थिति मजबूत होना, गरीब देशों का बर्बाद होना, पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध कम हुआ है, इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़े सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है, मतलब ज़्यादातर अभी जो लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट से जुड़ चुके हैं सब कोई, जब इंटरनेट से सब कुछ जुड़ेंगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट भी होगा, सबका जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग का अब क्वेश्चन में है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, यानी वैश्वीकरण से जो पॉजिटिव में क्या है और नेगेटिव में, दोनों के इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव में क्या है, विश्व व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं की स्थिति में सुधार, विभिन्न देशों के संबंध में सुधार, इंटरनेट के द्वारा आज जानकारी विश्व भर में पहुंचाई जाती है, प्रौद्योगिकी तक विभिन्न देशों की पहुंच बढ़ी है, पूंजी का प्रभाव बढ़ रहा है, रूढ़िवादी खत्म हो रही है, वस्तुओं का प्रभाव की तेज़ी से बढ़ रही है। ये हम लोग का क्या मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है सकारात्मक यानी जो पॉजिटिव में आया है, और नेगेटिव में क्या है नकारात्मक प्रभाव, गरीब देश का ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है, संस्कृति खत्म हो रही है, आर्थिक लाभ ज़्यादा विकासशील देशों को होता है,
दुनिया भर के लोगों ने इसका विरोध किया है WSF के मंच से, और विदेशी संस्कृति को अपनाकर हम अपनी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। लोगों की आवाजाही उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी वस्तुओं की बढ़ी है। ये है हम लोग का नेगेटिव में क्या है, ये था हम लोग का बेस विकरण। तो इसके बाद हम जो क्लास 12th का और भी चैप्टर का वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।